नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। तो बीजेपी और कांग्रेस आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों। तो वहीं मुकेश अग्निहोत्री हरौली विधानसभा से आज नामांकन करेंगे, ये भी एक अहम खबर। यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस की आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होने वाली है, काफी अहम ये मुलाकात है, इस पर भी खास नजर रहेगी। तो वहीं पर पूर्व सीएम की बेटी रूबिया के किडनैपिंग केस में यासीन मलिक की पेशी आज। आम आदमी पार्टी ने 54 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, इसको लेकर किस तरह की गहमा गहमी है इस पर भी नजर रहेगी।